The Zoroastrian community, as we know as Parsis, we are the most minuscule community in the world. So it will be of much help for a very minuscule community that they will get the citizenship. जो अल्पसंख्यक जैन समाज है या हिंदू है, सिख है, बुद्ध है, उन सबको बहुत सम्मान मिलेगा. आज हमें जो मान सम्मान और गर्दन उठा के जीने की कला सिखाई है हमारे प्रधानमंत्री ने, हम उसका सम्मान करते हैं. जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हमारे सिख भाइयों को इंडिया का नागरिकता दिया है, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं. Well, we see it as a welcome step for our country, and not only for our country, our community as a whole. The Zoroastrian community, as we know as Parsis, we are the most minuscule community in the world. Our population across the globe is 130,000, and we are spread wide and far. And when the partition happened with Pakistan, when we came from Iran, definitely the Parsis over there, our relations, our relatives, are been over there in Pakistan, Iran, everywhere. So slowly, slowly during the migration, they also started coming here. So it will be of much help for a very minuscule community that they will get the citizenship in this holy land, who has always welcomed us as a peace-loving and a visionary community, who has always has been told and promised to the King Jadhav Rana ki hum log shakkar ke maafik doodh mein mil jayenge. So keeping that tradition, we have followed it up till now. So it will be very helpful for those who are migrated from Pakistan and Iran to come here, settle and have the citizenship of India. देखिए, जो ये सीए जो बिल आया हुआ है, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं. और ये तो बहुत मान और सम्मान की बात है, बहुमान की बात है कि जो अल्पसंख्यक जैन समाज है या हिंदू है, सिख है, बुद्ध है, उन सबको बहुत सम्मान मिलेगा. और जो अभी मैंने इंटरव्यू सुना अरविंद केजरीवाल जी का, और उन्होंने ये कहा कि इसे जो लाएंगे तो हमारे देश में आबादी बढ़ जाएगी और संस्कृति, सभ्यता सब नष्ट हो जाएगी. इन्हें अब ये याद आ रहा है, और क्या वो हमारी संस्कृति नष्ट करेंगे, क्या हमारी सभ्यता नष्ट करेंगे? सब संस्कारित अहिंसक लोग हैं. हमारे देश का जब बंटवारा हुआ तो कुछ लोग वहां रह गए, कुछ लोग यहां रह गए, और उनको कहा गया था कि आप चिंता नहीं करें, आप पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं होगा. हमारे लोग बहुत दुखी हुए, वहां पर इतना अत्याचार हुआ, हमारी बहु बेटियों पर बलात्कार हुए, कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं था, उनकी कोई पुकार सुनने वाला नहीं था. और बोला गया था कि हमें यहां भेज दीजिए, जिससे हम अपने धर्म का पालन कर सकें और अपनी इज्जत मान सम्मान को बचा सकें. लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ठीक है ना. और जब ये लाया गया तो इसका विरोध किया लोगों ने. और अब हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस प्रकार से कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है, जो 2014 के पहले जो जो आ चुके हैं उनको सम्मान दे रहे हैं, बहुमान दे रहे हैं, उनका धर्म का पालन हो सके, उनके लिए नागरिकता दे रहे हैं, तो कोई गलत चीज तो है नहीं है. लेकिन कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति और दिल्ली का मुख्यमंत्री इस प्रकार का बोले कि नहीं, आबादी बढ़ जाएगी, भाषा बिगड़ जाएगी, और क्या बोलते कि सभ्यता चेंज हो जाएगी, संस्कार नष्ट हो जाएंगे, ये बोलना कितनी गलत बात है. ये हमारे जैनों पर आघात किया है. हम बहुत अल्पसंख्यक जैन समाज हैं, और हम पर जो अत्याचार हुए हैं, बलात्कार हुए हैं हमारी बहु बेटियों पर, हम बता नहीं सकते हैं. आज वो यहां पर आके रोते हैं हमारे सामने आकर कि गुरुदेव कि हमें कब हमें सम्मान मिलेगा, हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ. जब उनकी बातें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख होता, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं. और आज ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि नहीं, ये मत लाइए, इसको हटा दीजिए, ये गलत बात है, मैं इसका बहुत विरोध करता हूं, और हमारी जैन समाज, संत समाज सभी विरोध करते हैं. और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, चाहे हिंदू के हों, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, पारसी हो, ईसाई, इन सबको विरोध करना चाहिए. क्या हमारे साथ इतने अत्याचार हुए हैं और उसको हम सहन कर लें?
नहीं, आज हमें जो मान सम्मान और गर्दन उठा के जीने की कला सिखाई है हमारे प्रधानमंत्री ने, हम उसका सम्मान करते हैं, सारा समाज सम्मान करते हैं, और ये बिल आना चाहिए था और आ गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने नागरिकता शोध बिल को प्रवान कर करके जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश में हमारे सिख भाइयों को इंडिया का नागरिकता दिया है, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसा लगता है आप इसको, कैसे देखते हैं जो लोग लंबे अरसे से उन देशों में परेशान थे और यहाँ की नागरिकता चाहते थे, उन लोगों के लिए आप कैसा लगता है भी कितनी बड़ी राहत है और कितनी बड़ी वो मुसीबत से बाहर निकले? बहुत बढ़िया राहत उन्होंने मिली है जो मुसीबत भरी जिंदगी में इंडिया में आकर लोग खुश होंगे, और हम समुची सिख कौम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।